हेलो दोस्तों, मैं रणवीर स्वागत करता हूँ आप सभी का लाइव डॉग के कौन एपिसोड पे। और आज हम बात करने वाले हैं डलमिशियन डॉग ब्रीड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, डलमिशियन डॉग ब्रीड जो कि बहुत ही सुंदर देखने वाला एक डॉग है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डलमिशियन को माना जाता है कि कुछ सेंचुरीज पहले क्रोएशिया के एक शहर डलमिशिया में ब्रीड किया हुआ था। ये डॉग फेमस हुए एक फिल्म के चलते जिसका नाम है 101 डलमिशियंस। तो दोस्तों, आपने भी ये फिल्म ज़रूर देखा होगा या फिर नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं इसके फैमिली नेचर के बारे में। ये डॉग काफ़ी फ्रेंडली और लॉयल होते हैं। आप इसको बच्चों के साथ भी आसानी से रख सकते हैं। हालांकि इनको सोशलाइजेशन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर आपको आप इनको आसानी से बच्चों के साथ रख सकते हैं और ये काफ़ी फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। दोस्तों, ये हालांकि स्ट्रेंजर्स के लिए थोड़े बहुत खतरनाक, मतलब गार्डिंग और चौकन्ने होते हैं जो कि स्ट्रेंजर्स देखने पर भौंकते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। इनका बॉडी स्ट्रक्चर लंबा, पतला, दुबला सा, थोड़ा बहुत लंबा होते हैं। और इनके ये सिर्फ एक ही कलर, कोट कलर में आते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट होता है, वाइट करके ब्लैक मार्किंग के साथ। इनकी मार्किंग के अनुसार इनकी प्राइस जो है डिपेंड करती है। जितनी छोटी ब्लैक मार्किंग होगी उतना ही छोटा, उतना ही ज़्यादा उनका दाम होगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इनके हाइट के बारे में। इनकी हाइट की बात करें तो हम मेल्स 21 to 24 इंचेस की हो सकती है और फीमेल 20 to 23 इंचेस। अब बात करते हैं इनके वेट के बारे में। वेट हालांकि उतना ज़्यादा नहीं होता, पर होता है 20 to 23 किलोज़ तक मेल और 17 to 22 केजीज़ तक फीमेल। अब बात करते हैं इनकी एडोप्टेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा एडोप्टेबल होते हैं। गर्म ह्यूमिड टेम्परेचर को भी ये आसानी से सह सकते हैं। हालांकि ज़्यादा ठंडी ये नहीं सह सकते उनके बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कोट होने के कारण, पर ये गर्म टेम्परेचर को आसानी से सह सकते हैं। अगर आप भी एक डलमिशियन डॉग ब्रीड लेने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डॉग होगा। हालांकि ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए उतना बेस्ट नहीं है क्योंकि ये थोड़े बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं इनके बिहेवियर के बारे में। इनका बिहेवियर थोड़ा बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ही लॉयल होते हैं और थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। ये डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी होते हैं जो कि मैंने आपको बोल दिया है, पर सोशलाइजेशन की थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों, इन डॉग को ट्रेनिंग करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। इनको ट्रेनिंग करने में आपको थोड़ी बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, पर ये बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। ये डॉग दिखने में काफ़ी सुंदर है और प्राइस की बात करें तो हम ये डॉग बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। हालांकि ये प्राइस शॉपकीपर और प्लेस के अनुसार वेरी करता है। तो दोस्त, पर फिर भी आपको मेल जो है 10 से लेके 15,000 में और फीमेल जो है 8 से लेकर 12,000 में इजीली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी स्टेट पे या किसी भी जगह पे। हालांकि ये डॉग्स दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, पर इनके कोट जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं होता, जिसके कारण से उनकी ग्रूमिंग की भी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस ध्यान रखना होगा कि ये डॉग्स ज़्यादा ठंडी में ना रहे, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा ठंडी में इनको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको डलमिशियन डॉग के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी ऐसे डॉग्स रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आप एक डॉग लवर हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो पे डॉग की इन्फॉर्मेशन और काफ़ी कुछ के बारे में डिटेल देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।